सो हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो 17 नवंबर हर साल नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। तो इसको मनाने का एक यही कारण है ताकि आम लोगों में एपिलेप्सी के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़े, ताकि लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो आज हम एपिलेप्सी के ऊपर ही कुछ बात करेंगे। तो एपिलेप्सी बेसिकली होता क्या है, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है? तो एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें ब्रेन में अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। मतलब ब्रेन के जो सेल्स हैं वहाँ से अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकलता है, जिसकी वजह से पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं। तो वो जो सिम्टम्स हैं, जो अबनॉर्मल जर्की मूवमेंट्स होती हैं, वो कई प्रकार से हो सकती हैं। जैसे कि एक होता है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसमें कि हो सकता है कि दोनों हाथ दोनों पैर उसकी अबनॉर्मल इनवॉलंट्री जर्की मूवमेंट हो, या फिर उसके अलावा आंखें एक तरफ हो जाना, मुंह से झाग आना, जीभ का कट जाना, या इनवॉलंटरीली स्टूल का या यूरिन का पास होना। तो ये तो हो गया GTCS। उसके अलावा कुछ सीजर फोकल टाइप के भी होते हैं। फोकल सीजर मतलब कि बॉडी के सिर्फ एक ही पार्ट में प्रॉब्लम आना, या फिर कुछ सीजर होते हैं जैसे कि एब्सेंस सीजर टाइप, जिसमें कि पेशेंट बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कट ऑफ हो जाता है, कि चेहरे पे ब्लैंक स्टेरिंग लुक होना या एकदम लॉस्ट फील करना। आप पेशेंट को कुछ बोलना चाहोगे बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो ये होता है एब्सेंस सीजर टाइप। तो ये बेसिकली एपिलेप्सी होता क्यों है, डिफरेंट सीजर टाइप्स क्या होते हैं, हमने उसके बारे में ये बात किया। एक और सीजर टाइप जो होता है वो होता है सेंसरी सीजर टाइप, जिसमें कि पेशेंट में एक हाथ या पैर या दोनों हाथ या पैर में सेंसरी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि अचानक से झनझनाहट होना या फिर सुनपन होना, इस तरह से भी सीजर हो सकता है। तो जब ये सीजर या अब नॉर्मल मूवमेंट्स बार बार होती हैं, रेपिटेटिव एपिसोड्स होते हैं, तो उसे फिर हम एपिलेप्सी बोलते हैं। एक ये बड़ा कॉमन सवाल है कि एपिलेप्सी किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। तो एपिलेप्सी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, चाहे वो नियोनेट हो, इन्फेंट हो, या यंग एज हो, एडोलेसेंट हो, मिडल एज या ओल्ड एज, पर हर एज ग्रुप के हिसाब से उसके कॉजेज वेरी कर जाते हैं। दूसरा, ये हमेशा पूछा जाता है कि क्या एपिलेप्सी डेंजरस है। तो एपिलेप्सी एज सच, एपिलेप्सी पर से लाइफ को रिस्क पोज नहीं करता, लेकिन जब एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं सुडेप, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी, बट ये हर पेशेंट में नहीं होता। ये कुछ आई थिंक 1.5 to 2% केसेस में ही देखा जाता है, जिसमें कि दौरे के दौरान या किसी भी टाइम एपिलेप्सी के पेशेंट में डेथ हो सकती है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता। जो चिंता करने की चीज़ इसमें ये होती है कि जब पेशेंट को मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी का अटैक आता है, मान लीजिए पेशेंट अगर उस टाइम पे ड्राइविंग कर रहा है, उस टाइम पे दौरा आ गया, तो दैट कैन बी डेंजरस टू लाइफ। पेशेंट अगर कोई हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहा है, उस टाइम पे दौरा आ गया, सो दैट अगेन कैन बी वेरी हार्मफुल। पेशेंट कहीं पानी के पास है, कहीं आग के पास है, या किसी हाइट पे खड़ा है, अगर दौरा आ जाए तो अगेन इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो इसलिए इसका प्रॉपर इलाज करना और इन चीज़ों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। एपिलेप्सी के पेशेंट्स में यूजली हम ड्राइविंग अलाउ नहीं करते, हैवी मशीनरी ऑपरेट करना एडवाइस नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि एपिलेप्सी के पेशेंट कोई भी काम या जॉब नहीं कर सकते, बट कुछ स्पेसिफिक जॉब्स हैं जिसमें लाइफ को रिस्क रहता है, तो वो जॉब्स उनको एडवाइस नहीं होती। एपिलेप्सी में कुछ टाइप्स भी होती है, जैसे कि प्राइमरी एपिलेप्सीज और कुछ सेकेंडरी एपिलेप्सीज। तो प्राइमरी बेसिकली वो होती है कि जिसमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है ब्रेन में, वो बेसिकली अब नॉर्मल केमिकल डिस्चार्ज की वजह से ही हो रहा है। जो सेकेंडरी एपिलेप्सीज होती हैं उनमें यूजली ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई ट्यूमर है, या कभी कोई ट्रॉमा हुआ है, या पहले कभी कोई स्ट्रोक या ब्लीड हुआ है जिसकी वजह से वहाँ स्कारिंग हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, तो वहाँ से अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो सकता है जिसकी वजह से दौरा आए। तो फिर हम बात करते हैं एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट की। जैसे कि एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में पहली चीज़ है कि उसकी जांच होना, इन्वेस्टिगेट होना प्रॉपरली। तो उसके लिए एक ब्रेन इमेजिंग मस्ट है, एपिलेप्सी प्रोटोकॉल MRI हम करते हैं, उसके अलावा एक EEG इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम हमेशा बहुत ज़रूरी है। तो इलाज जो है वो बेसिकली इमेजिंग पे, EEG पे और टाइप ऑफ सीजर पे डिपेंड करता है कि पेशेंट में क्या दवाई चलनी चाहिए। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को कोराबोरेट करके अलॉन्ग विद यू नो पेशेंट का एज ग्रुप क्या है, मेल है फीमेल है, पोटेंशियल साइड इफेक्ट प्रोफाइल क्या हो सकती है पेशेंट में,
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो बहुत सब लोगों को ये लगता है कि एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट एक बार शुरू हो गया तो कभी बंद नहीं होता, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो कुछ साल दवाई दे के अगर पेशेंट सिम्टम फ्री है, इम्प्रूव हो रहा है, तो दवाई की डोज को धीरे धीरे टेपर करके उसको स्टॉप भी किया जा सकता है। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके आसपास है या आपकी फैमिली में किसी को एपिलेप्सी की बीमारी है, फिट्स की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। उनका टाइमली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है ताकि टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो सके और लॉन्ग टर्म पेशेंट को जो उसकी वजह से डिसेबिलिटी प्रॉब्लम्स आनी है वो ना हो। थैंक यू सो मच।